नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए पाक हाई कमीशन के अफसर मोहम्मद अख्तर को रिहा कर दिया है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से पाक हाई कमीशन के अफसर मोहम्मद अख्तर को छोड़ा गया है। हालांकि इस मामले में दो लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज सुबह मोहम्मद अख्तर को भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज के साथ हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उससे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से मोहम्मद अख्तर को छोड़ना पड़ा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को आईबी से इस पाकिस्तानी अफसर की नापाक हरकत के बारे में जानकारी मिली थी। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान के इस हाई कमिश्नर अधिकारी को जो हिरासत में लिया गया था, जिसे पूछताछ हुई, मनीष उसके पास से क्या दस्तावेज मिले और किस तरह के गतिविधियों में ये शामिल था? देखिए, जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस एजेंसी से खबर आ रही है वो ये है कि ये जो अधिकारी था मोहम्मद अख्तर, ये आईएसआई का एजेंट था और पाकिस्तान हाई मनीष, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आप से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, मोहम्मद अख्तर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसे हासिल है इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी अधिकारी से संबंधित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आईएसआई के नेटवर्क से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये शक है। कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के इस अधिकारी से, ये जानकारी मिल रही है। और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए पाक हाई कमीशन के अफसर मोहम्मद अख्तर को रिहा कर दिया है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्योंकि उसे हासिल थी और पाक हाई कमीशन के अफसर मोहम्मद अख्तर को इसीलिए छोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले में दो लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज सुबह मोहम्मद अख्तर को भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज के साथ हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उससे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी की, पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्योंकि उसे हासिल थी इस वजह से मोहम्मद अख्तर को छोड़ना पड़ा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को आईबी से इस पाकिस्तानी अफसर की नापाक हरकत के बारे में जानकारी मिली थी। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला से एक बार फिर से हमने संपर्क किया है। मनीष, क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं और किन किन तरह की गतिविधियों में ये शामिल था? देखिए, ये पाकिस्तान आईएसआई का ये एजेंट था और पाकिस्तान हाई कमीशन में अक्सर जो उनके स्टाफ होते हैं वो डिप्लोमेटिक स्टेटस के तौर पर यहाँ पर आकर के डिप्लॉय होते हैं और वो जासूसी भी करते हैं। तो इसके बारे में करीब एक साल से जानकारी थी कि ये पाक हाई कमीशन में ये तैनात है और पूरे देश भर के जो भी आईएसआई के एजेंट थे उनसे लगातार टच में था। लेकिन ये डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से कि इसको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेटवर्क में जानना जरूरी था कि कौन कौन से लोग इसके साथ शामिल हैं। तो हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते इसको छोड़ना पड़ा। इसके पास बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर रखें, और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहरहाल, दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जाम लगा हुआ है। फेस्टिवल सीजन पर खरीदारी की वजह से दिल्ली के बड़े बाजार और मॉल्स की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर जाम है। आश्रम, भोगल, लाजपत नगर, महारानी बाग, प्रगति मैदान, नेहरोजी नगर, मूलचंद, भिकाजी कामा पैलेस रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। और मंगोलपुरी, इग्नो रोड, गुलाबी बाग, खजूरी चौक, मौजपुर क्रॉसिंग, तिलक नगर से धोला कुआं, गोकुलपुरी, सिलमपुर, नागलोई, आज़ाद मार्केट, जाफराबाद, गाजीपुर, सरिता विहार, प्रगति विहार और मजनू का टीला, ये वो इलाके हैं जहां पर हैवी ट्रैफिक की वजह से लोग काफ़ी देर से जाम में फंसे हुए हैं और ट्रैफिक बहुत स्लो है यहां पर। कहीं गाड़ी ख़राब हो गई है तो कहीं ठीक तरीके से ट्रैफिक को मैनेज नहीं किया जा कर पाई है पुलिस, इसलिए जाम लगा हुआ है। जगह जगह लगे जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मयूर विहार से अश्विनी गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली और त्योहारों के मौके पर दिल्ली इस वक्त जबरदस्त ट्रैफिक जाम से जूझ रही है। हम लोग इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के मयूर विहार इलाके की, और ये जो रास्ता है ये दिल्ली से नोएडा से दिल्ली जाने का ये रास्ता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जबरदस्त रश है ट्रैफिक का। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वहां भी आपको इसी तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लगा है, जिसे साफ तौर पे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हालांकि ये ऑफिस
जाने का भी वक्त है, इस वजह से भी जाम है। और साथ ही साथ त्योहारों के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए भी निकल रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हैवी ट्रैफिक है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरह से ट्रैफिक जाम की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। कैमरामैन विवेक के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया दिल्ली। मयूर विहार के इलाके की तस्वीर आपने देखी अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट के जरिए। हालांकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए कार पूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इस तरह के जाम से आपको खुद बचना है और दिल्ली को बचाना है तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो कार का इस्तेमाल ना करें, यानी कि घर से गाड़ी यानी कि अपनी कार के जरिए बाहर ना निकले, ताकि सड़कों पर जो स्थिति बनी हुई है उसे कंट्रोल किया जा सके। ऑफिस जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो और बसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस जाने के लिए शेयर्ड कैब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घर से कुछ दूरी पर ही जाना हो तो पैदल जाना भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। कम दूरी के लिए जाना हो तो साइकिल या स्कूटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका वक्त बचेगा, आप परेशानी में फंसने से बचेंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में जो लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही है उससे भी लोगों को निजात मिल सकता है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ठीक इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह ऐसा जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली का आश्रम का इलाका हो, खजूरी खास का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो या फिर सीलमपुर का इलाका हो, हर तरफ एक जैसा जाम। बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है और क्योंकि लोग फेस्टिवल के सीज़न में ख़रीदारी करने के लिए बड़ी तादाद में अपने घर से निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं तो गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं, और इसलिए अचानक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा ट्रैफिक जाम की व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए हैं।